बागा बाजार में शुक्रवार देर रात डकैतों ने व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट लिया। उन्होंने 6 लाख रुपए की लूट की है। कट्टा और चाकू लेकर घुसे बदमाशों ने महिलाओं के गहने तक उतरा लिए। अलमारी में रखे कैश और ज्वेलरी लेकर भाग गए। बदमाशों ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और जाते हुए डीवीआर भी उड़ा ले गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारी किसी तरीके से घर से बाहर निकला और पुलिस को सूचना दी। कोतवाली क्षेत्र के भाटा गांव निवासी संतोष कौसले टेंट व्यापारी है। वह शुक्रवार रात एक कार्यक्रम में टेंट का काम करने के बाद घर लौटे थे। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए। रात करीब 1 बजे कुछ लोग पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे। इस पर संतोष ने खिड़की खोलकर देखा तो एक बदमाश ने उस पर कट्टा तान दिया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खोलते ही कट्टा चाकू ले 5 बदमाश घर के अंदर घुस गए। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग भी पहुंच गए। बदमाशों ने महिलाओं की गर्दन पर चाकू रख दिया और उनसे पहने हुए गहने उतारने के लिए कहा। इसके बाद अलमारी की चाबी मांगी और अंदर रखे 5,29,000 रुपए निकाल लिए। इसके साथ ही करीब 60,000 रुपए के गहने भी ले गए। करीब आधे घंटे तक डकैत घर में उत्पात मचाते रहे। इसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर भाग निकले। वारदात के दौरान व्यापारी की पत्नी, बहन व अन्य लोग थे। थाना प्रभारी विजय चौधरी ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद संतोष ने दरवाजा खुलवाया और करीब 2:30 बजे पुलिस को वारदात की सूचना दी। व्यापारी का मकान आउट में है, इसके चलते उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था, लेकिन बदमाशों ने उसे तोड़ दिया। जाते हुए बदमाश कैमरे का डीवीआर भी उड़ा ले गए। इसके चलते वहां से कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।